जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक एक्वाडक्ट का स्ट्रक्चर है। एक्वाडक्ट का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्ट होगी वो बिल्कुल नाले और केनाल का कॉन्सेप्ट होगा। यानी आप जैसा कि, क्योंकि नाला आपकी डाउन पोजीशन में है और केनाल आपकी ऊपरी पोजीशन में है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाला जो है वो अपने केनाल को क्रॉस कर रहा है, या दूसरे लैंग्वेज में भी ये बोल सकते हैं कि केनाल अपनी नाले को क्रॉस कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ नाला आपकी नीचे रहेगी और केनाल जो है आपका ऊपर रहेगा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक्वाडक्ट की कंडीशन जो है वो फॉलो करती है। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरी जो ऊपर छोर में है कि ये केनाल का अपस्ट्रीम छोर है, ये आपकी नाला है, और नाले को नीचे से ले जाते हुए अपन बिल्कुल उसको केनाल के वाटर को, जैसा आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि मेरी केनाल जो है केनाल की फ्लूमिंग आ रही है, और उसे जो है बीच में एक डक्ट के शेप से दिया गया है, और उसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, नाले से उसे क्रॉस करा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि ये एक क्लोज एक्वाडक्ट है, इसीलिए जो सर्विस रोड साइड से या नॉन सर्विस रोड साइड से, दोनों ही छोर से यहाँ पर आपको चलने के लिए ऊपर में क्लोज के डक के ऊपर में रोड जो है प्रोवाइड किया गया है। तो ये डक की पोजीशन, बीच वाली पोजीशन जो है वो बिल्कुल डक की पोजीशन है। चलिए एक बार डक की पोजीशन से मैं आपको व्यू जो है शो कराता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डक की पोजीशन से हमें क्या दिखाई देता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरी, ये वही डक्ट है, केनाल फिर से इसके बाद वो आपकी कंटिन्यू हो गई है। ये मेरी अपस्ट्रीम पोजीशन है, जहाँ से ये आपकी जो होगी ये ट्रांजिशन वाल कही जाएगी, और क्योंकि ये जो है आपके केनाल को ट्रांजिस्ट करके एक बैरल फॉर्म में वो जो है कन्वर्ट करने का काम करती है, ट्रांसवर्स करने का काम करती है, तो ये इस पोजीशन को मैं जो है ट्रांसवर्स वाल कह सकता हूँ। और ये जो बैरल आप देख रहे हैं, सेम यही चीज़ जो केनाल है, केनाल से पानी आएगी ट्रांजिशन वाल पे ट्रांजिस्ट होके वो बैरल के थ्रू, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक मशीनरी वर्क है, इसलिए इसमें पूर्ण रूप से जो है पत्थरों का यूज किया गया है, पत्थर से पूरी ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाई गई है। तो ठीक, आप बैरल के ऊपर में भी आप देख रहे हैं कि ये जो रोड है वो प्रोवाइड किया गया है। रोड इस समय तभी प्रोवाइड किया गया है जब बैरल के ऊपर में, डक के ऊपर में हम जो है क्या दिए हैं, एक स्लैब दिए हुए हैं, ताकि आपके ऊपर भी रोड जो है प्रोवाइड की जा सके। ये जो है सपोर्टिंग पैरापिट वाल है, जो आपकी प्रोटेक्ट रोड को भी करती है और साथ ही साथ केनाल को भी प्रोटेक्ट जो है करती है। इस दूसरे छोर से देखें तो नाले के छोर से अपन, मैं आपको व्यू शो कराता हूँ। ये रोड की पोजीशन तो आपको क्लियर हो गई, केनाल की पोजीशन क्लियर हो गई, और डक की पोजीशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नाले की पोजीशन की। तो यहाँ पर नाले का पोजीशन आप देख पा रहे हैं, नाले का पोजीशन, ये आपकी नाला है, नाला जो है ठीक आपके डक्ट के नीचे से, जो केनाल का डक्ट है उसके नीचे से ये जो है क्रॉस कर रही है, और ठीक इसी सिचुएशन में आपकी एक्वाडक्ट जो है बनती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको क्लियर हो रही है कि ये जो है मेरा कुछ रूप में आपके नाले के लिए जो है स्लोप में प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि वो जो है नाले को प्रोटेक्ट कर सके। ये इस वीडियो में एक्वाडक्ट की पूरी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट जो है समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट है आपकी इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आपको जो है तीन बातों का ध्यान रखा गया है, तीन कॉन्सेप्टों का ध्यान रखा गया है, वो है केनाल है, नाला है, और रोड है। रोड की क्रॉसिंग के लिए, ये तीनों ही पर्पस के लिए ये जो एक्वाडक्ट है वो जो है बनाई गई है। तो आज के इस वीडियो में एक्वाडक्ट के बारे से इतना ही, फिर किसी वीडियो में हम और किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।